तो भाई जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो शुरुआत में कुछ ब्लॉग ऐसे थे जो मैंने एडिट कर रखे हैं, जो मैंने रख भी रखे हैं बट कभी डाले नहीं। तो मैं सोचता था भाई ये इतने अच्छे नहीं बने, क्योंकि देखो जब आप शुरुआत में रहते हो, मैं आज भी अपना ब्लॉग पूरा देखता हूँ चाहे कितना ही लंबा हो, तब जाके उसे अपलोड करता, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि इतना अच्छा नहीं है, छोड़ो रहने दो। बट अब तुम्हें दिखाने के लिए लॉकडाउन में कुछ नहीं है भाई, कुछ करने को नहीं है, तो मैंने सोचा कि पुराना जो व्लॉग है ना वो डाल दिया जाए। और मैं देखना चाहता था कि मैं कितने गंदे व्लॉग बनाता था। अब मेरे में जो इम्प्रूवमेंट आ रही है थोड़ी थोड़ी, अभी भी गंदे हैं बट थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो अब देखो पुराना व्लॉग, और वो व्लॉग वैसे बहुत अच्छा था यार बट हमने सड़ा दिया। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं प्रगति मैदान। और अब हम आ गए हैं सरदार जी ऑमलेट वाले के पास, ये देख सकते हैं। और ये सरदार जी ऑमलेट वाले, ये बहुत फेमस है प्रगति मैदान में, देखिए आप। ओके, अपने को कोई दिक्कत नहीं भाई। तो भाई ये हैं सरदार जी ऑमलेट वाले, जिनको सारे के सारे लोग सरदार जी ऑमलेट वाले के नाम से ही जानते हैं, मगर इनका असली नाम है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह जी पहले साइकिल ठीक करने, कार रिपेयर का काम करते थे, पर जैसे जैसे उम्र होती गई इन्होंने वो काम छोड़ के यहाँ पर ऑमलेट बनाने का काम शुरू कर दिया। इनके आज भी ऑमलेट और हाफ फ्राई इतने मशहूर हो चुके हैं कि सब इनके यहाँ पर खाने आते हैं। बलबीर सिंह जी का जन्म जो हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ था, फिर 1952 में ये इंडिया आ गए थे, और इनके पास अभी फ़िलहाल इनके परिवार में कोई नहीं है, तो ये अकेले ही अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। जो मुझे इनके यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगी कि भाई आपको अगर कुछ खाना है, आपको हाफ़ फ्राई खाना है या आपको ऑमलेट खाना है, तो आपको आराम से वेट करना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर कोई कहता है कि हमें जल्दी हो रही है, हमारे लिए जल्दी बना दो, तो ये कहते हैं आप जा सकते हैं। तो अगर आपको प्योर देसी घी में अगर आपको ऑमलेट या हाफ फ्राई या भुजिया खानी हो तो उसके लगते हैं आपको 50 रुपये, और अगर आपको रिफाइंड में खानी हो तो आपको देने पड़ेंगे 30 रुपये, चाहे वो भुजिया हो, चाहे वो हाफ फ्राई हो, चाहे वो ऑमलेट हो। भाई इनकी जो देसी घी का ऑमलेट और हाफ फ्राई है भाई, उसका जो स्वाद है ना भाई, उस स्वाद की वजह से इतने फेमस है, काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है इनका। और आप अगर देखोगे तो भाई ये दुकान अपनी खुद ही लगाते हैं, अपना सारा काम खुद करते हैं। सुबह सब्जी मंडी जाते हैं वहाँ से सामान लेने, उसके बाद ये शाम को प्रगति मैदान में आपको 5:30 से 6 बजे के करीब मिल जाएंगे। उसके बाद बड़े इत्यान से एक आराम से ऑमलेट बनाते हैं और आपको परोसते हैं। और भाई सबसे अच्छा जो इनकी बात है सफ़ाई, भाई आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इतनी सफाई मिलेगी, इतनी ज़्यादा सफाई मिलेगी जो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखने को नहीं मिल सकती। और बलबीर सिंह जी की जो उम्र है वो 75 साल है, मगर ये फिर भी अपने बलबूते पे अपनी मेहनत के दम पे आज भी खा रहे हैं, और ये बताते हैं कि भाई अपनी मेहनत का करो, कभी हार ना मानो, अपनी रोज़ी रोटी के लिए जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करो।
तो भाई ये है देसी घी, ये जो देसी घी का पाउच आता है वो पूरा का पूरा डाल देते हैं। उसी वजह से यहाँ पर जो ऑमलेट या हाफ फ्राई होता है उसमें अलग ही स्वाद आता है। और कहते हैं कि जब भी ये हाफ फ्राई बनाते हैं उसमें ये अपना बना हुआ मसाला डालते हैं जो ये खुद बनाते हैं, और उसी की वजह से इनके जो हाफ फ्राई होता है उसमें अलग ही टेस्ट आता जाता है। और उस क्या करूं फिर इसमें चेहरे के बिना मजा ही क्या खासी। अब हमने बनवा लिया है ऑमलेट जो कि मेरे हाथ में है, और अब हम इसे टेस्ट करेंगे। वहां पर बारिश बहुत हो रही थी इसलिए हम उधर से चले के गाड़ी में आ गए हैं, और अब हम इसे टेस्ट करेंगे और फिर हम आपको बताते हैं ये कैसा है। भाई ये ना सही चीज और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये प्योर देसी घी में बना हुआ है इसलिए इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो जब भी आप लोग प्रगति मैदान आए तो पक्का सरदार जी के ऑमलेट खा के जाएं। बस बस।